समर वेकेशन ओवर हो गया है, पढ़ाई में भी मन नहीं कर रहा है, पीरियोडिक टेस्ट भी पास आ रहे हैं, बहुत सारा बैकलॉग भी क्रिएट हो चुका है, टाइम भी सही से मैनेज ही नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे तनाव हो रहे हैं, बहुत टेंशन। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो क्या आपकी भी समर वेकेशन के बाद हालत खराब हो चुकी है, आपका भी बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट हो चुका है, सही से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ये वीडियो है आपके लिए। लेकिन इन सब की फालतू की काम छोड़ के सिंपल सी बात करते हैं, इन सब का सॉल्यूशन है कि आपको पागल बनना पड़ेगा। आपके अंदर पागलपन होना चाहिए किसी काम को करने का। अगर आपके अंदर पागलपन है तो आपको कोई नहीं रोक सकता 95% लाने से, 98% लाने से क्लास 10 में। लेकिन पागल आपको बनना पड़ेगा सही काम में। ऐसा नहीं कि उसका नंबर लेने के लिए आप पागल हो, उससे बात करने के लिए आप पागल हो, उसके लिए नहीं। आपको मेन मोटिव सोचना पड़ेगा किस लिए आपको पागल बनना है। क्लास 10 में 95% 98% लाना है, उसके लिए आपको पागल बनना पड़ेगा। अगर आप पागल नहीं बन सकते तो ये वीडियो बंद करके चले जाओ, क्योंकि मेरी वीडियो वही देखेगा जो कि पागल है और जो पागल बनना चाहिए, क्योंकि बिना पागल बने आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब पागल बन गए होगे आप, और पागल बनने के बाद आपको क्या करना है, मेन काम ये है। पागल बनने के बाद आपको सही तरीके से टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से टाइम को मैनेज कर पाओ तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाने से। सो मैं पहली बात ये करना चाहूंगा कि समर वेकेशन में बहुत सारी छुट्टियां हमारे पास थी, बहुत सारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। ये मैं हमेशा कहूंगा कि समर वेकेशन एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई थी आपको सतर्क करने के लिए, फिर भी आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए उसका अच्छे तरीके से यूज। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि वो चीज तो अब चली गई, उससे उस पर अब ध्यान डालने से कोई फायदा नहीं होगा। आप प्रेजेंट में ध्यान दो, और क्लास 10th इतनी बड़ी क्लास नहीं है कि अभी से भी करके सिलेबस नहीं कंप्लीट किया जा सकता। अभी से भी अगर आप फोकस करोगे तो सिलेबस को हम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सोच को हटा दो कि अब मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। क्लास 10th को इतनी बड़ी क्लास नहीं है, सिंपल से अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि आपको हॉलीडेज का अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। अभी भी काफी सारी हॉलीडेज चली गई हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी हॉलीडेज आएंगी, उनका आपको यूटिलाइज करना है अच्छे तरीके से। संडे आ जाएगा बीच में, बहुत सारे स्कूलों में सैटरडे को भी छुट्टी होगी, बीच बीच में कोई ना कोई त्यौहार पड़ता ही रहता है। इंडिया में यही तो बहुत सारे त्यौहार पड़ते ही रहते हैं, तो उसका आपको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है अब, क्योंकि बिना यूटिलाइज करे आप बैकलॉग को खत्म नहीं कर सकते। तो अच्छे तरीके से हॉलीडेज का इस्तेमाल करना चाहिए आपको। और दूसरी बात यह है कि अगर आप हॉलीडेज को इस्तेमाल कर रहे हो, कोशिश करो आप स्कूल में एक आध दिन की छुट्टी भी ले लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हफ्ते में एक दिन की छुट्टी स्कूल की ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करो, देखो कि कौन सा ऐसा डे होता है जिसमें ज्यादा काम नहीं होता है स्कूल में, तो उसमें आप छुट्टी ले सकते हो। 95% 100% का अटेंडेंस का टैग लगवाने से क्या फायदा जब आपकी पढ़ाई अच्छी ना चल रही हो। एक दिन की छुट्टी लेने से अगर आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाए तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो अगर आप एक आध दिन की छुट्टी भी ले सकते हो बीच बीच में स्कूल की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरी चीज है, हम अच्छे तरीके से ना टाइम को मैनेज सही काम में नहीं कर पाते हैं, फालतू के काम में टाइम मैनेज करते रहते हैं। जैसे कि हम सबके पास 24 आवर्स है, 24 घंटे हम सबके पास, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? आप बहुत सारे बच्चे आप में से ये बोलते होंगे कि भैया मेरे को ये काम करने का टाइम ही नहीं मिल पाता, मेरे को साइंस पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाता। मेरे भाई कभी भी किसी से भी ये बात मत कहना कि मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि टाइम सबके लिए सेम होता है। जिसने ये कह दिया कि मेरे पास ये काम करने के लिए टाइम नहीं है, यानी कि मान लो उसके पास दिमाग ही नहीं है, क्योंकि जिसके पास दिमाग है वो टाइम तो मैनेज कर ही लेगा। ठीक है, तो कभी भी ये काम तो कहना ही मत, ये बात मत करना। अब मैं बात करता हूँ कि आप फालतू के टाइम कहाँ वेस्ट करते हो। जैसे कि आपको स्कूल से बहुत सारा काम भी मिलता होगा, बहुत सारा तो बेकार का भी काम होता है मुझे पता है, लेकिन हमको करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि 7-8 घंटे स्कूल में वेस्ट कर दिए, वेस्ट नहीं बोलूंगा यूटिलाइज कर दिए, और 3-4 घंटे कोचिंग में यूटिलाइज कर दिए, घर पे और भी बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद जब हम पढ़ने बैठते हैं उस समय क्या करते हैं, जब हमारा पढ़ाई का टाइम होता है उस समय हम होमवर्क कर रहे होते हैं स्कूल का, फालतू के प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं स्कूल का। हमारे पास स्कूल में भी काफी सारा फ्री टाइम होता है, काफी सारे गेम्स के पीरियड मिल जाते हैं, कुछ फ्री पीरियड्स भी मिल जाते हैं, कभी कभार कोई टीचर नहीं आया होता है तो हमारे पास फ्री टाइम मिल जाता है। तो हमें स्कूल का काम स्कूल में ही कोशिश करें निपटा देना चाहिए।
फ्री पीरियड मिल रहा है, स्कूल का काम स्कूल में निपटाओ, बाहर में जाओ स्कूल में निपटाओ, घर पे आने के बाद आपको पढ़ना है, सिंपल, आपको इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। अब और अगली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको 4 से 5 घंटे की ही नींद लो, उससे ज्यादा नहीं। आप ये बोलोगे भैया बहुत लोग तो ये बोलते 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये साइंटिफिक चीज नहीं है। बहुत सारे सक्सेसफुल जो लोग हैं वो 4 से 5 घंटे ही सोते हैं, क्या वो इंसान नहीं है? और स्टूडेंट लाइफ में तो खासकर हमें 4 से 5 घंटे के अलावा ज्यादा नहीं सोना चाहिए। आप में से बहुत लोग 8-8, 10-10 घंटे भी सोते हैं, मुझे पता है। हो सकता है आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ सकते हो, देर रात तक जाग के पढ़ सकते हो, कभी भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, सुबह उठ के पढ़ो या देर रात तक जाग के पढ़ो, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अपनी सोच को बदलो कि नहीं मेरे को 7-8 घंटे सोने नहीं तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ आ रही है बात? ठीक है, तो उसके बाद आपको पूरा फोकस आपको स्टडी पे करना है, उसके साथ साथ आपको ध्यान देना है प्रॉपर नोट्स बनाने में, जो भी आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स जरूर बनाओ प्रॉपरली। ऐसा प्रॉपर का मतलब साफ सुथरा आपको समझ आना चाहिए, सिंपल, आपको एक्स्ट्रा डिजाइन वगैरह स्केच पेन यूज करना उसकी जरूरत नहीं है, सिंपल आपको समझ आना चाहिए। और कोशिश करो नोट्स को बार बार ना बनाओ, ये काम बहुत बच्चे करते हैं कि पहले रफ में बना लिया फिर फेयर करेंगे, इतना टाइम नहीं है मेरी जान। आपको समझना पड़ेगा, आपको टाइम की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। आपने जैसे एक चैप्टर के नोट्स बना लिए, सेकंड चैप्टर के आपको नोट्स बनाने हैं तो कुछ पेजेस आप छोड़ सकते हो कि आपको कहीं और से कुछ और टॉपिक्स मिल गए तो उस पर एड ऑन कर दो, सिंपल कुछ पेजेस को लीव कर दो ना, फालतू में दोबारा क्यों बनाओगे। इस तरीके से माइंड को यूज करो, नोट्स अगर नहीं बनाओगे ये आपकी बहुत बड़ी दुविधा होगी। सिंपल पढ़ने से कुछ नहीं होगा क्योंकि कुछ दिन बाद आप भूल जाओगे, लेकिन नोट्स रहेगा तो आप दोबारा से याद कर सकते हो, उसको कवर कर सकते हो। पेपर के टाइम में नोट्स ही काम आएंगे आपके, अगर नोट्स आप सही से नहीं बनाओगे तो बहुत पछताने वाले हो। उसके साथ साथ लास्ट में मैं जाते जाते बस ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ो, डीप स्टडी करो। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि अब टाइम नहीं है तो मैं ऊपर ऊपर से पढ़ लूंगा, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। ये नवंबर दिसंबर नहीं आ गया है कि आपको बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ने की जरूरी है, पेपर नहीं आ रहे हैं अभी, हाँ स्कूल वाले पेपर तो आ ही रहे होंगे, लेकिन आपको जो भी पढ़ोगे वो कोशिश करो बिल्कुल गहराई में जाके पढ़ो। अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, पेपर के टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी, डीप स्टडी करके भी आप सिलेबस कवर कर सकते हो। सो पढ़ते रहो, हैव अ ब्लास्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।